फ्रेंड गुड इवनिंग सबको, वेलकम टू आवर सिमकावना ब्लॉग से। तो सबको सबसे पहले जय श्री कृष्णा नमस्ते। तो चलिए आज हम सोचा मैंगो मलाई आइसक्रीम बनाएंगे, तो ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, तो शेयर करेंगे कि हम मतलब देखेंगे हम सक्सेस हो कि नहीं। तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे मेरा मैंगो मलाई आइसक्रीम बनाने का रेसिपी। तो अभी मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स है, हम अभी मार्केट से लेके आए जो जो सामान चाहिए, बस एक ही तो चीज़ चाहिए मेरे को, वो कंडेंस मिल्क, वो भी लेके आया हम। तो चलिए आज का रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करते हैं और देखते हैं कल तक आपको पूरा लाइव दिखा देंगे कि कैसे मेरा आइसक्रीम बना, कैसे हुआ, वो आप लोग के साथ शेयर कर लेते हैं। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक लीटर क्रीम वाला दूध ले लिया और यहाँ पर जो जो इन्ग्रीडियंट्स मेरे को चाहिए तो हम ले लिए। यहाँ पे ज़्यादा मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब बस पेड़ का ये वाला मैंगो जो देख रहा भी है हम लोग का पेड़ का ही है और बहुत अच्छा है, पाइनएप्पल वाला स्मेल भी करता है। और हम चीनी ले लिया और ले लिया ड्राई फ्रूट्स और ये मेरे को कॉन्डेंस मिल्क नहीं मिला तो हम अमूल का मलाई मिठाई ले लिया, मिठाई मलाई जो भी है बोलता है दुकानदार, मेरे को शैतानी करके दे दिया, हम जो मांगा था वो नहीं देखे तो इसी से कम चला लेंगे, इसी से भी होगा हम देखे। तो चलिए मेरा ससुर जी मतलब पापा जो हैं उन्होंने बोला कि मेरे को मैंगो वाला आइसक्रीम खाना है, तो हम उन्होंने बोला और हम बना के नहीं दे, ऐसा बहू हम है नहीं, तो हम उनका बहुत अच्छा बहू है, मतलब पापा अगर कुछ बोलता है तो हम फटाफट बना के देते हैं, खिलाते हैं। तो चलिए हम बना रहे हैं और आप लोग के साथ रेसिपी से मतलब शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम पहले दूध को अच्छे से उबाल लेंगे। तो उबालते टाइम मेरा ननद कुछ बोल रहा था, मेरे को मजाक कर रहा था, हंस रहा था कि पता नहीं क्या बोल रहा था, तो उसी बात में हम लोग हंसा हंसे कर रहा था। तो चलिए फिर हम यहाँ पर दूध उबाल ले रहे हैं, एक लीटर दूध को पूरा एकदम घना कर लेंगे, एकदम कम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मतलब जो जो प्रोसेस आगे कर दिखाते जाएंगे तो अच्छा अच्छे से मैंगो को काट लेंगे। तो यहाँ पे हम 5-6 जैसे मैंगो काट लेंगे, काटने के बाद उसको वो चम्मच के प्रोसेस से मतलब क्या बोलते हैं उसको अखोड़ के मिक्सी में देंगे। हमको उतना अच्छा से हिंदी नहीं आता भाई, आप लोग मेरे को माफ़ कीजिएगा, हमको पिंगोली में ही बात करना कंफर्टेबल लगता है, लेकिन मेरे को मतलब सब लोग बोलते हैं हिंदी में ब्लॉग बनाओ, इसीलिए मेरे को बनाना पड़ता है क्योंकि हमको बंगाली में कंफर्टेबल लगता है बोलने का। हाँ बाबा हाँ हाँ। तो चलिए आगे का प्रोसेस दिखते दिखते हम मतलब आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो ऐसा सबको इस गर्मी में सबको घर में बना के ट्राई करना चाहिए, खाना भी चाहिए क्योंकि ये सब सीजन का फूड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें हम कुछ शुगर ऐड कर देंगे तो उसके बाद थोड़ा पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट करने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर हुआ। तो उसके बाद मेरा दूध थोड़ा सा और मतलब जला के घना करेंगे उसको उबाल के, तो घना करने के बाद फिर इसको ठंडा करेंगे बर्फ का पानी से, मतलब नीचे थाला में बर्फ का पानी देंगे, उसके बाद थोड़ा सा दूध लेकर उसको ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसको मिलाएंगे। तो चलिए उसके बाद ये मलाई मिठाई जो है अमूल का मिल्क वो 4 स्पून दे देंगे इसमें, लेकिन ये बहुत टेस्टी है बहुत, अगर आप खीर भी बना सकते हैं इससे, अगर खीर बना रहा था घर में तो बहुत टेस्टी है। तो हम इसको अच्छा से मिक्सअप कर लेंगे, उसके बाद जो ड्राई फ्रूट रखा हुआ उसको ऐड करके फ्रीजर में डाल देंगे। तो हम ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिया, नाउ कंप्लीट हो गया अभी। तो उसके बाद हम रख दिया था फ्रिज में 1 घंटा, मतलब एक दिन बाद उसको निकाला, दूसरा दिन मतलब दोपहर को निकाला। तो फिर मेरा इतना जमा है, आप लोग देख सकते हैं कैसे जमा है, पूरा मलाई वाला हुआ है, मैंगो मलाई जैसा आइसक्रीम होता वैसे ही। तो हमको बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, लेकिन पापा का शुगर है उतना नहीं खा पाया, थोड़ा मीठा ज़्यादा ही हो गया था। तो फिर मतलब अड़ोस पड़ोस को भी दिया, सब लोग को अच्छा लगा, सबने बोला, और मेरा घर में उतना मैंगो कोई नहीं खाता है तो उतना वो लोग खाया नहीं था, हम खाया था, पापा खाया था, सब लोग थोड़ा थोड़ा ही टेस्ट किया था। तो और सबके साथ शेयर करके हम खाया था, पापा को भी अच्छा लगा, थोड़ा सा मीठा ज़्यादा हुआ तो हमको बहुत टेस्टी लगा, बहुत टेस्टी। अभी गर्मी से आके एकदम ठंडा ठंडा मलाई वो भी आम का, बहुत टेस्टी लगा। आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। बाय बाय।